मुझे सही से बात करनी चाहिए। मुझे ना विराट सर से बात करनी चाहिए इस बारे में, शायद वही मुझे कोई रास्ता दिखाए। आई बाबा की एनिवर्सरी के लिए कोई अच्छे अच्छे आइडियाज दीजिए। आई बाबा की एनिवर्सरी? हाँ। तुम आई बाबा की एनिवर्सरी प्लान कर रही हो? हाँ। कुछ ही दिनों में आपको पता ही होगा ना उनकी एनिवर्सरी आने वाली है। आई बहुत दुखी है और मैं आई को दुखी नहीं देख सकती। आई बाबा दोनों एक ही कमरे में रहते हैं लेकिन अलग अलग बिस्तर पर सोते हैं। मैं जानता हूँ सही, उनके कमरे में दो अलग अलग बिस्तर लगते हैं और ये मेरे स्कूल के टाइम से है और मैंने भी कभी आगे रह के पूछा नहीं कि ऐसा क्यों है, बड़े होने के बाद भी नहीं पूछा है। मैं आपकी जगह होती तो पूछती। जानता हूँ पर मैं सही जोशी नहीं हूँ ना, और ना ही तुम विराट साहब। अच्छा वो सब छोड़िए, लेकिन मैं ना आई बाबा की एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक केक लाया, फोटो खींची, नहीं, एकदम कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ। सही, आई और बाबा के बीच में रिश्ता होते हुए भी कोई रिश्ता नहीं है। वो दोनों अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं भी उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना तो दूर, उन्हें विश भी नहीं करता हूँ। मैं बता रहा हूँ सही, हमारा कोई भी प्लान वर्क नहीं करेगा, उन्हें पसंद नहीं आएगा और उन्हें करीब तो बिल्कुल नहीं लाएगा। मैंने आई और बाबा को बचपन से ऐसे ही देखा है, हमारे कुछ भी करने से उनके रिश्ते में कोई सुधार नहीं आएगा। ओह, अगर आप सोचोगे नहीं तो वो होगा कैसे? थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखो ना। एक बात बताइए, आई बाबा के रिश्ते में दरार किसी तीसरे की वजह से तो नहीं आई ना? तीसरे? मेरा मतलब है, मैं इतने समय से इस घर में हूँ, मैंने बहुत कुछ सुना है, मैं समझ सकती हूँ आई पर क्या बीतती होगी। और जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है ना, तो वो दो लोग कभी एक नहीं हो पाते। घूम फिर कर तुम्हारी सुई वहीं अटक गई ना। पाखी की बात कर रही हो ना तुम? मैं किसी की बात नहीं कर रही। झूठ, तुम्हारे चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, अगर मेरे चेहरे से नजर आ रहा है तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, पाखी दीदी की ही बात कर रही थी। अच्छा वो आपको समझ आ गया। हर वक्त पाखी 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 पाखी, तुम कब ये सब करना बंद करोगी? आई ने कहा था ना कि हमें हमारे अतीत के बारे में कोई बात नहीं करनी है, हमारे आज में ये सब नहीं लाना है, उसका जिक्र तक नहीं करना है। हाँ तो मैंने कहाँ किया जिक्र? मैंने कहाँ किया जिक्र? एक भी मौका छोड़ती हो तुम, हमेशा पुरानी बातों को लेकर मुझे टॉन्ट करती हो और फिर ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। छोड़ो यार। अरे सॉरी 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 ना, सॉरी प्लीज, अभी नहीं झगड़ते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास्ट के लिए आपको ब्लेम नहीं करूंगी। अभी प्लीज आई बाबा की एनिवर्सरी प्लान करें प्लीज। प्लानिंग करनी है? वैसे तो आपने जितने भी प्लान बनाती हो तुम सब मुझसे छुपकर बनाती हो, कुछ बताती नहीं हो। आज तुम मेरे साथ सब कुछ शेयर करके प्लान करना चाहती हो, जो भी अपने दिमाग में चल रहा है सब बता रही हो मुझे। कैसे? हाउ? ये चमत्कार कब हुआ? कोई चमत्कार नहीं है, पहले की बात और थी, अब की बात और है। अब हम दोनों दोस्त है ना, और आपसे हेल्प लेने की ना एक और वजह, अब आप आई बाबा के बेटे हैं, आपसे बेहतर आई बाबा को कौन जान सकता है? हो? इसीलिए मैंने आपको एज एन एक्सपर्ट सेलेक्ट किया है। एक्सपर्ट विराट चौहान, आइए आइए प्लीज, बैठिए बैठिए। हाँ, अगर मैं इतना ही एक्सपर्ट होता तो मैं अपने आई बाबा के रिश्ते को सालों पहले सुधार नहीं लेता। आप इसका जिम्मेदार खुद को मत मानिए। पता है एकदम लाइट लाइट लग रहा है। सही? हाँ तुमने आई और बाबा की एनिवर्सरी की सेलिब्रेशंस के लिए क्या सोचा है? सच कहूँ तो इस सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा नर्वस भी। नर्वसनेस ना मुझे भी बहुत हो रही है। हो रही है ना? हाँ, अगर आई बाबा को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा तो, और आई को अच्छा नहीं लगा तो आई को तो हम संभाल भी लेंगे, लेकिन बाबा को अच्छा नहीं लगा तो बाबा तो उल्टा हमें शॉक कर देंगे। और उससे भी ज्यादा टेंशन वाली बात कि अगर आई बाबा का रिश्ता सुधरने की जगह और बिगड़ गया तो। ये मैंने नहीं सोचा था, क्या करें, प्लान रहने दे? अरे नहीं नहीं, सोचा है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन उससे पहले ना हमें बाबा को ये एहसास कराना होगा कि उनका व्यवहार आई के प्रति ना ठीक नहीं है। तो ये करना कैसे? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आई के अलावा किसी को याद नहीं होगा कि कल आई और बाबा की शादी को 37 साल हो जाएंगे। कल निनाद और अश्विनी की शादी की सालगिरह है। मुझे भी याद नहीं रहा, कैसे याद रहता? इसके बारे में हम सब कभी बात ही नहीं करते। वही नहीं, इस पूरे घर में किसी को इनकी शादी की डेट नहीं पता। आपको कैसे पता चला? सही को ये बात आई और बाबा के शादी के एल्बम से पता चली। तुम्हें क्या लगता है मोहित, सही कोई जादू करनी है जो इसे निनाद मामा की एनिवर्सरी की आकाशवाणी सुनाई देगी, या फिर इसे किसी जादुई किताब से ये इसने तारीख ढूंढ निकाल ली होगी? भले ही ऐसा कुछ ना हुआ हो, लेकिन हमारी सही है तो जादूगरनी, तो इसने अपने प्यार के जादू से इस घर के सभी लोगों का दिल जीत लिया। और आज जिस तरह से विराट के साथ मिलकर सई ने अश्विनी मामी और निनाद मामा के मुद्दे को उठाया है, आज मेरी नजर में विराट और सई की इज्जत और बढ़ गई है। लेकिन इस तरह से सबके सामने निनाद मामा से ऐसे सवाल करना, ये तुम्हें गलत नहीं लग रहा सम्राट? और पिछले 37 साल से आई के साथ ऐसा बर्ताव होता है, वो आपको सही लगता है पाखी दीदी? अगर सम्राट दादा आपके साथ ऐसा बर्ताव करे जैसा बाबा आई के साथ करते आए हैं, वो आपको सही लगता? बस बस बस, सब लोग ऐसी बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। और सही तुम भी, मैं तो तुम्हारी सपोर्ट कर रहा था। तेरे लिए मैंने अपने सगे भाई से झगड़ा तक कर लिया और अब तुम मेरे ही खिलाफ बोले जा रही। मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया तुमने। मैं आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत कदर करती हूँ, और मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन आप मुझे अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे, मेरे लिए, मेरे हक के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन बाबा, अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर आप आई के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो मुझे दुख नहीं होगा, बल्कि मुझे तो ये सोचकर और दुख हो रहा है कि आप प्यार करने के काबिल हैं, आपको दूसरों से प्यार करना आता है, दूसरों को इज्जत देना आता है। बाबा फिर आप आई को इज्जत क्यों नहीं देते हैं? बाबा, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे आबा मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं, लेकिन अगर मेरे आबा भी मेरी आई के साथ ऐसा बर्ताव करते तो मैं भी अपने आबा को प्यार नहीं करती। सही तो भले ही उम्र में छोटी है, लेकिन तू जिस तरह की बातें करती है ना, वो बड़े बड़ों को अक्ल सिखाते हैं। वो इसलिए दादा, क्योंकि मैंने इस छोटी सी उम्र में इतने इम्तिहान दिए हैं ना कि हालातों ने मुझे जिंदगी की क्लास में वक्त से पहले ही प्रमोट कर दिया है। जिन चीजों की अहमियत लोगों को एक उम्र के बाद होती है ना, उनकी अहमियत मुझे इस छोटी उम्र में ही हो गई है। हाँ, जैसे कुछ बच्चे छोटी उम्र में ही बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल कर लेते हैं, वैसे ही हमारी सही ने लाइफ के एक्सपीरियंसेस में डिग्री हासिल की हुई है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है शिवानी बुआ। जब मैंने सही से कहा कि हमें आई और बाबा के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन सरप्राइज के बारे में कुछ सोचना चाहिए, तो इसी ने ये बात सोची थी कि जब इस घर में इनके एनिवर्सरी का जिक्र तक नहीं हुआ है इतने सालों तक, तो बाबा को हमारा प्लान पसंद कैसे आएगा? एक मिनट, तुम लोग कहीं हमारी शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का तो नहीं सोच रहे हो? कोई जरूरत नहीं है। विराट बाप को समझो, मैंने इसके लिए कभी कुछ महसूस नहीं किया। इनफैक्ट मेरा शादी वाला दिन मैं याद भी नहीं रखना चाहता। तुम लोग कहीं हमारी शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का तो नहीं सोच रहे हो? कोई जरूरत नहीं है। विराट बाप को समझो, मैंने इसके लिए कभी कुछ महसूस नहीं किया। इनफैक्ट मेरा शादी वाला दिन मैं याद भी नहीं रखना चाहता। आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है दादा? अगदी बरोबर बोला। सही ने एक बार डिसाइड कर लिया ना कि किसी की एनिवर्सरी, वाढ दिवस, वर्षगांठ सेलिब्रेट करना है तो और कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे करना है ना तो वो करके रहेगी, फिर सामने वाले को सेलिब्रेट करना है या नहीं इसे क्या फर्क पड़ता है ना? बिल्कुल सही। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर सही हो या और कोई हो, अगर मुझे सरप्राइज देने के बहाने से जो भी सेलिब्रेशन या पार्टी वार्टी रखने का प्लान है तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं उस पार्टी में शामिल नहीं होने वाला। फिर करते रहना सेलिब्रेट तुम्हारी चहीती आई के साथ। तुम्हारे बाबा सही कह रहे विराट, उस रिश्ते का जश्न मनाने की कोई जरूरत नहीं है जिस रिश्ते में कुछ बचा ही ना। आई, मैं आपके और बाबा के रिश्ते का नतीजा हूं। अगर आपके रिश्ते में कुछ नहीं बचा है तो मेरा क्या वजूद है? बोलिए ना, है जवाब। बाबा, अगर आपको अपनी शादी याद नहीं करनी है, इतना ही पछतावा है अपनी शादी को लेकर, तो मुझे क्यों इस दुनिया में लाए? क्या आपको मेरे पैदा होने पर उतना ही अफसोस है जितना आपको आपकी शादी को लेकर है? क्या आपके लिए मेरा पैदा होना भी एक समझौता है? विराट सर, आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं गुडू, ऐसे ना बोल गुडू, ऐसे मत बोल। तुम्हारा पैदा होना मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। शादी के बाद मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे जिससे मुझे बहुत खुशी मिली है, तो तुम्हारा पैदा होना मुझे बहुत फख्र है कि मैं तुम्हारी हारी हूँ। निनाद, अश्विनी ने तो विराट के सवाल का जवाब दे दिया, तुम कुछ नहीं बोलोगे? क्या जवाब दूं मानसी ताई? आज मेरे अपने बेटे ने अपने वजूद पर सवाल उठाया है। मैं तो उससे अपनी नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूं, जिस मेरे बेटे पर मुझे सिर्फ एक बाप होने के नाते नहीं बल्कि एक सिपाही होने के नाते गर्व है। सीना चौड़ा करके मैं लोगों से कहता हूं कि IPS ACP विराट चौहान का बाप हूं मैं। वो मेरा बेटा आज मुझसे ये पूछ रहा है कि क्या उसके इस दुनिया में आने पर मुझे अफसोस है? आज ये पूछकर विराट ने मेरे बाप होने पर सवाल उठाया है। कितना गर्व है मुझे तुझ पर, कितना प्यार करता हूं मैं। ये सवाल तेरे मन में आया कैसे विराट? क्योंकि आपने मेरे आई से प्यार नहीं किया है। एक बाप अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी चीज क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि वो उसकी आई से प्यार करे, उसे प्यार दे, सम्मान दे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, कभी इज्जत नहीं दी। विराट की बात सुन के आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन जरा सोचिए, जिस बेटे ने बचपन से लेकर आज तक अपनी आवाज नहीं उठाई, आपसे कोई सवाल तक नहीं किया, आज उसने खुद अपने वजूद पर उंगली उठाई है। सोचिए उसके दिल में कितना दर्द होगा, उसे खुद कितनी तकलीफ हो रही होगी महसूस करके। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब मैं बोलूंगी। नीनाद और अश्विनी की शादी को 37 साल हो गए हैं। इनके रिश्ते में क्या बचा है क्या नहीं, ये इन दोनों के बीच की बात है। लेकिन जितनी मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता कि जिस शादी की वजह से विराट जैसा होनहार बेटा इस घर को मिला है, उस शादी से किसी को भी अफसोस होगा। मेरा अपना कोई बेटा नहीं है, लेकिन हमेशा मैंने सम्राट और विराट को अपने बेटों जैसा प्यार दिया है। देवयानी ने तुम दोनों को भाइयों से भी ज्यादा माना है। विराट, मैं तेरे बाबा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मैं इसे तब से जानती हूँ जब से ये खुद को भी इतना नहीं जानता था। और मैं डंके की चोट पर ये कह सकती हूँ कि भले तेरे बाबा ने तेरे आई को प्यार नहीं किया, लेकिन ये तुझे दिल और जान से जानता है। और इस बात को साबित करने के लिए मैं कोई भी इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं विराट। तू जो कहेगा करने के लिए तैयार हूं मैं। सच बाबा, कुछ भी करेंगे, जो मैं कहूंगा आप वो करेंगे। तू कह के तो देख बेटा। ठीक है बाबा, मैं दिल से चाहता हूं कि आप सही और मुझे आपकी और आई की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन मनाने दीजिए। आपको आपका प्यार साबित करने की कोई जरूरत नहीं है दादा। विराट आपका बेटा है, बाप नहीं, जो आपसे सवाल जवाब करें। कोई जरूरत नहीं है किसी भी सेलिब्रेशन के लिए हाँ करने की। सोनाली, ओमी, ये क्या है? तुम लोग क्यों निनाद को उकसा रहे हो? अगर विराट अपने बाबा से कुछ मांग रहा है तो तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है? पर आई, अगर निनाद मामा का मन नहीं है तो कोई भी ना मजबूर तो नहीं कर सकता ना इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। बस मेरे बेटे ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, कोई सवाल नहीं किया, किसी बात के लिए जिद नहीं की, और कभी ये ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल भी नहीं किया। अगर मेरा बेटा चाहता है कि वो अपने आई बाबा की शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करे तो मैं उसे मना नहीं करूंगा। घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।